नाम गुंजन है। मैंने आरएस एकेडमी ज्वाइन करी थी अपने एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे। उसने मुझे बोला था कि वो कंसेप्ट्स तेरे जो वीक हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे उस जो उससे सुन के आई थी उससे बहुत ज्यादा रिसीव किया है। मतलब कभी नहीं सोचा था कि 10 दिन के अंदर कभी इतने सारे क्वेश्चन पढ़ भी पाऊंगी। मतलब पढ़ना ही ऐसा लगता था पता नहीं कैसे होगा, बट लेकिन उसको कैलकुलेटर पे ऑन द स्पॉट सॉल्व करना, प्रेजेंटेशन ऑफकोर्स आप 10 दिन के अंदर जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो तो उतना प्रेजेंटेशन पे आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, बट अदरवाइज कंसेप्ट क्लैरिटी, आपको कैलकुलेशंस ऑन द स्पॉट, कंसेप्ट इतने अच्छे हैं जो चैप्टर सारी दुनिया मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, वो इतने अच्छी तरीके से समझाया गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि वही सबसे अच्छा चैप्टर हुआ है मेरा पूरे 10 दिन के अंदर। बाकी ओआर बहुत अच्छी कवरेज, सब कुछ क्रिटिकल पाथ जनरल, वो क्रैशिंग नहीं समझ में आता था तो क्रैशिंग समझ में आया, तो बेसिकली जितने भी डिफिकल्ट एरियाज थे वो ईजी हो गए हैं, प्रैक्टिस मेरे हाथ में है, बट सर ने अपना बेस्ट दिया है एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने 10 दिन का कोर्स किया। अगर नहीं किया होता क्योंकि टाइम कम है तो ये रह जाता कि यार कर लेती तो शायद कुछ रिजल्ट अच्छा होता। अभी भी ये है कि अगर प्रैक्टिस कर लूंगी तो अब कुछ होप तो नजर आ रही है, पहले तो कहीं कुछ दूर तक था ही नहीं। तो मेरा ये सजेशन है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और अगर आप टाइमली मूव लेते हो तो पहले तो रेगुलर बैच ही ज्वाइन करना। ये फास्ट ट्रैक बैच में वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है जिन मतलब कंसेप्ट आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन जो आपको फुल अच्छा प्रिपेयर करना है तो गो फॉर रेगुलर बैच। और अगर आपको बहुत फास्ट टाइम नहीं है, इवन घर में भी अगर किसी को रिवीजन करनी हो तो मेरे को लगता है फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो आपके रिवीजन भी करा देगा, जो कंसेप्ट कहीं लैकिंग होते हैं जो हम कभी पढ़ते हैं तो वो छूट जाते हैं तो वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो सर को बहुत बहुत थैंक यू है अभी से, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू।